दोस्तों यहाँ से पांग 127 किलोमीटर, सोमरीरी 130 है, सरचू 202 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। रात सरचू हम पहुँचे थे 8:30 बजे और जस्ट पीछे हमने अपना ये कैंपिंग टेंट लिया था। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तांगलांगला और यहाँ से पांग है 65 किलोमीटर, मनाली है 364 किलोमीटर और चंडीगढ़ है 673 किलोमीटर। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। निखिल, अब तक का रूट कैसा था और राइडिंग कैसी थी, राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा था? मज़ा आया। लेह से निकलने के बाद रोड थोड़ी सी टूटी हुई थी लेकिन उसके बाद ठीक थी और ओके, बस टॉप अप ज़्यादा है इसमें और रोड पे बहुत ज़्यादा। हाँ, इस रोड पे हमने सोचा था कि अब हम मनाली की तरफ जाएंगे तो नीचे जाएंगे लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जाना पड़ता है, सो बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल तो करती है ऊपर चढ़ने में लेकिन मज़ा आ रहा है। फटाफट से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ खाएंगे, चाय और मैगी ब्रेक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे। दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं मोरे प्लेस के अंदर, ये देख सकते हो चारों तरफ प्लेन ही प्लेन है और जगह का नाम है मोरे प्लेस। सही भगा दी तूने, एनसीआर बाइकर्स हैं? मैं तो बना। हाँ बना दो। दोस्तों फिलहाल हम रुके हैं अम्मा जी के ढाबे पे और यहाँ पे खाएंगे मैगी और पियेंगे गर्मा गर्म चाय। ऊपर तांगलांगला पास पर इतनी ठंड थी और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी वहाँ पे, इसलिए अब हम नीचे आ गए। काफ़ी अच्छा खासी ठंड हो रखी है और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है बुखारी। इसमें क्या होता है कि नीचे आग जलाते हैं और आप अपने हाथ भी ताप सकते हो और इस पर कोई भी चीज़ खाना बना सकते हो। सो आपको लद्दाख साइड में और ये इस साइड इस एरिया में ये आपको देखने को मिलेगी। धुआँ निकलता है वो बाहर यहाँ से ऊपर निकलता है, अभी फ़िलहाल चल नहीं रही है, चल रही होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। फटाफट से मैगी का मज़ा लेते हैं। दोस्तों यहाँ की एक ख़ास चीज़ और दिखा देता हूँ जो मैंने अब नोटिस करी है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ऐसा है, एयर प्रेशर ऐसा है कि ये देखो जो नमकीन के पैकेट है यहाँ मिलते हैं ना हमारी साइड में, और यहाँ पे आने के बाद एयर प्रेशर ऐसा हो जाता है कि सारे फूल जाते हैं, देखो ऐसा लग रहा है अभी फट जाएंगे। और सेम कंडीशन यहाँ पे पानी के साथ होती है, पानी की अगर आप पैक बोतल ओपन करते हो सोडा बोतल की तरह प्रेशर के साथ ओपन होती है, तो एयर प्रेशर यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ अगर पैक्ड होती है, वैक्यूम होता है उसके अंदर या कोई भी नाइट्रोजन अगर फिल होती है कि जैसे इन चिप्स और नमकीन के अंदर फिल होती है, तो इतना प्रेशर क्रिएट होने के बाद वो एक्सपैंड करने लग जाती है। सो ये खास चीज़ आपको यहीं पर आने के बाद देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये स्पेशल थर्मास टाइप का कैटल टाइप का सर्व करने के लिए, चाय सर्व करने के लिए, ये सेम हमने लेह में देखने को मिला था। इसमें कोई भी आपकी चाय या गर्म पानी ये रखते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं आपको लेह में आने के बाद, लद्दाख आने के बाद आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, और बता दूँ अगर एक मिनट से ज़्यादा ये चाय रखी ना तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ठंडे ठंडे मौसम में गर्म चाय का मजा लेते हैं। लेट्स गो। बहुत अच्छी चाय बनाई है दोस्तों। ये आ गई अपनी मैगी, और इससे पहले ठंडी हो जाए फटाफट से खा लेते हैं। अम्मा जी ने मैगी बनाई है। अम्मा जी हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। अम्मा जी को थोड़ी सी हिंदी कम आती है। अम्मा जी नाम क्या है आपका, नाम क्या है? अच्छा अच्छा। और यहाँ कितने साल से हो आप? यहाँ पे कितने साल से हो पता? कितने साल हो गए यहाँ? नहीं पता, नहीं आता। अच्छा ना भी। कोई बात नहीं, अम्मा जी को हिंदी नहीं आती है। मैं पूछना चाह रहा था कितने साल हो गए यहाँ पे, कितने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जगह मिलेगी रुकने की। यहाँ से लेह से आने के बाद कोई जगह नहीं मिलेगी रुकने की, 100 किलोमीटर के बाद ही अम्मा जी का ढाबा मिला। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो चाय और मैगी का मजा जरूर लेके जाना। नाम क्या आपका? राशि श्री। अच्छा कितने साल से ये ढाबा? ये ढाबा 20 साल से। अच्छा तो यहाँ बर्फ मतलब स्नोफॉल कब से कब तक रहता है, मतलब पूरा बर्फ में कब तक ढका रहता है? बर्फ जाएगा तो स्नोफॉल होते रहेगा, होता रहेगा। अच्छा और वैसे मतलब ढाबा कितने महीने खुलता है ये? 6 महीने खुलता है। दोस्तों ये पीछे छोटी सी लेक, और ये है चारों तरफ का नजारा। ये लेक भी छोटे पेंगोंग लेक की तरह है, पानी थोड़ा कम है, 8 बजे के आसपास होते हैं कहीं पे, और रिफ्लेक्शन पानी थोड़ा कम है और रिफ्लेक्शन कम आ रहा है। लेकिन गाइस सामने देखो, सामने स्काई देखो, बादलों का रिफ्लेक्शन सीधे नीचे आ रहा है, अल्टीमेट व्यू। प्लेन्स में चलाने के बाद एकदम से जो ये वैली आई है, और ये डिज़ाइन देखो कैसे बना हुआ है पूरा का पूरा, माय गुडनेस। ये देखो बस यही देखने के लिए तो लोग लद्दाख आते हैं, क्या ब्यूटी है यहाँ पे, क्या ब्यूटी है, अल्टीमेट। बस यही नज़ारे देखने के लिए लोग लद्दाख आते हैं। लोग कहते हैं लद्दाख में क्या है, वो सिर्फ एक ट्रू बाइकर, एक ट्रू ट्रैवलर ही जान पाएगा जो यहाँ के नज़ारे हैं। दोस्तों मोरे प्लेन्स के बाद पहुंच चुके हैं हम इस टाइम पांग में। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कैफे हैं जहाँ ब्रेक के लिए आप रुक सकते हो। अभी कार हमारी पीछे रह गई है सो इसलिए हमने रुके हैं, पीछे ऑलरेडी ब्रेक ले लिया था हमने। दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लाचुंगला, एल्टीट्यूड 16,616 फीट, और सौर्य चक्र RCC वेलकम्स यू एट लाचुंगला टॉप फॉर योर बेटर टुमारो।
भोलेनाथ जी का छोटा सा मंदिर है, यहाँ छोड़ेंगे, आगे की यात्रा करेंगे। शाम का वक्त हो चुका है, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं और अभी सरचू ऑलमोस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर है। देख सकते हो शाम का मौसम कैसा हो चुका है। निखिल वहाँ पीछे आ रहा है भाई अपना, क्या कह रहे हो भाई, मज़ा आ रहा है? कैसे हो रही है राइडिंग? कैसा मजा आ रहा है राइडिंग का? ऑफ रोडिंग कैसी मिल रही है? जबरदस्त, ऊपर से बचा कुछ मजा ये बारिश दे रही है। कल की बारिश शुरू हुई, इससे पहले कि दिन छिपे और बारिश आए और आगे रास्ता भी पता नहीं कैसा होगा, टूटा फूटा होगा, कैसा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए गाड़ी को बिना रोके लगाएंगे सरचू। बीच में ऐसा कोई स्पॉट आएगा तो रोकेंगे, ठीक है? ओके ब्रो, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है, इससे पहले कि मौसम और ज्यादा खराब हो हमें सरचू पहुंच जाना चाहिए और वहां पे जाके स्टे करेंगे। लेट्स गो दोस्तों, सरचू रह गए यहां से 37 किलोमीटर और अभी हमें लग जाएगा आधा घंटे से ज़्यादा, क्योंकि रास्ता पूरा का पूरा खराब है, टूटा हुआ है, ऊपर से एक्सपल्स की लाइट इतनी कम है कि ठीक से रोड पे दिखाई नहीं दे रहा। बस इतनी ही लाइट है इसकी कि जस्ट आगे का 5-10 मीटर देख सकूं। बाइक बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है, एक तो रात का टाइम, ऊपर से रोड ऐसा, और तीसरा रास्ते में एक ट्रक गिरा हुआ था खाई में, जो मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। रात सरचू हम पहुंचे थे 8:30 बजे और जस्ट पीछे हमने अपना ये कैंपिंग टेंट लिया था। फिलहाल अभी मेरे साथ है विक्की और रवि। बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा रात को? बहुत मज़ा आया। नींद कैसी आई? बस नींद का तो पूछो मत, लेकिन पहली बार कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, फुल एंजॉय करा। बेसिकली हम लोग अपना कैंप भी लाए थे लेकिन रात में इतना लेट हो गए ना कि कहीं भी कैंप लगाने का कोई टाइम ही नहीं बचा था, और भूख इतनी तेज लग रही थी, रात पहुंचते ही सीधे हम अपने कैब में घुसे, खाना खाया और सो गए। रात इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि कैंप का पूरा साइड सारी ऐसे इतनी तेज़ हिल रही थी कि रात में आँखें खुल जा रही थी, लेकिन फिर भी नींद अच्छी आई। और अभी सनराइज़ का टाइम हो रहा है, पीछे देख सकते हो सूरज निकलने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ अभी हमें कैंपिंग के साथ डिनर और ब्रेकफास्ट 800 रुपये में पड़ा, जो आई थिंक काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिनर और ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। ये आपका मेन रोड जो सीधे यहाँ से ले के लिए जाता है और इधर से जाता है मनाली के लिए। सो अभी फ़िलहाल हमारा एजेंडा है, आज निकलेंगे मनाली के लिए जिस्पा से होते हुए, फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप पर। बारह लाचला और पहुंच गए यहाँ पे। दोस्तों ये आपके सामने सूरज ताल, क्या खूबसूरत पानी हो रखा है इस टाइम, नीला नीला, और ऊपर बादल हो रखे हैं, देखो वहां पे क्या नज़ारा हो रखा है। अब हम इसी रोड से होके वहां से जाएंगे, लेट्स गो। गाइस ये पड़ा है झरना और देखो सारा पानी नीचे जा रहा, क्या पहाड़ है। दोस्तों ये है लेह मनाली हाईवे का सबसे लंबा ब्रिज, Thank you.
किलोमीटर दोस्तों, जिस पास से चलने के बाद अभी पहुंच चुके हैं हम अटल टनल, और यहां से एंट्री करेंगे और निकलेंगे सीधे मनाली। लेकिन यहां आने के बाद कैसा लग रहा है ये बताओ? मजा आ गया। ये उतने टाइम से बना हुआ था, जब पहले आया था लास्ट टाइम तो ये बन रहा था, ये शुरू नहीं हुआ था। आज आए वाली शुरू हो गया, इसको अंदर जाके देखूंगा क्या मजा आता है। जब से ये बनी थी तब से हमारे मन में यही था कि लद्दाख जाएंगे या वहाँ से आएंगे तो ये पक्का यूज करेंगे। आज को मौका मिलने जा रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अंदर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। देख सकते हो कितना क्राउड है पीछे, चारों तरफ बाइकर्स और टूरिस्ट ही हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस हो चुकी है इस टाइम। मेरे सारे बाइकर्स मेरे पीछे। चलो फिर अटल टनल के नज़ारे आपको दिखाते हैं और मिलते हैं बाहर।